इंदौर के भोरकुआ थाना क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भोलाराम उस्ताद मार्ग चौराहे पर पानी भर गया था। कुछ युवकों ने मस्ती करते हुए इस पानी को उड़ाने के लिए अपनी बाइकों का इस्तेमाल किया। इस हरकत से राहगीरों और बसों में जा रहे लोगों को खासी परेशानी हुई। लोग भीग गए और उनके कपड़े भी गंदे हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन सब युवकों पर कार्रवाई की है। दरअसल रविवार को इंदौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया था। इसी दौरान पांच युवक अपनी बाइकों पर सवार होकर सड़कों पर तेज गति से बाइक चला रहे थे। इन हुड़दंगियों ने अपनी बाइक को पानी में खड़ा किया और स्टैंड पर लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर पानी में उसका पहिया घुमाया, जिससे पानी लोगों पर उड़ा। युवाओं की इस हरकत से फव्वारे जैसा पानी लोगों पर उड़ रहा था और लोग गीले हो रहे थे। इस प्रकार की हरकतों से सड़कों पर चल रहे लोगों को काफी परेशानी हुई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। शिकायत मिलते ही भवरकुआ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पांचों युवकों को वीडियो के माध्यम से पहचान कर पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद सभी पांच युवकों ने अपनी हरकत के लिए लोगों से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। कल शाम को हमने मीरा गार्डन पे बाइक से लोगों के ऊपर पानी उछाला जिससे लोगों को तकलीफ हुई। भविष्य में हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोगों से माफी मांगते हैं।